दोस्तों, कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, यह आसमान से नहीं गिरती। एक अच्छी जिंदगी कभी भी किस्मत से या बाई चांस नहीं मिलती, अपनी जिंदगी को खुद अच्छा बनाना पड़ता है। कामयाबी एक प्रोसेस का नाम है, एक कानून, एक असूल और जाब्ते का नाम है, एक रास्ते पर चलने का नाम है। वो रास्ता जो बड़ा ही वाजे है, वो रास्ता जिस पर चलकर सदियों से लोग कामयाब हो रहे हैं, जिस पर चलकर कोई भी कामयाब हो सकता है, आप भी हो सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कामयाब लोगों की जिंदगियों के 3 असूल बताऊंगा। अगर आप भी उन असूलों पर अमल करेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी कामयाबियों और खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, पहला असूल ये है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगर आप हासिल करना चाहो सच्चे दिल से तो हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, जिंदगी में आपके पास क्या है और क्या होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जिंदगी में कितने कामयाब होंगे, कितने अमीर बनेंगे, क्या बन पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये सब आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी गाड़ी का ख्वाब भी नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चीजें मुझे कैसे मिल सकती हैं, ये नामुमकिन है, मैं तो इस काबिल ही नहीं, मैं तो एक एवरेज हूं। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि आपकी लिमिट्स वही हैं जो आपके ब्रेन ने आपके लिए सेट कर दी है, वरना आपकी कोई लिमिट्स नहीं। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं, आपका माइंड सेट है। वरना तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगर आप हासिल करना चाहते हो सच्चे दिल से तो हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आपको यकीन करना होगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें ही हैं, जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। दोस्तों, दूसरा असूल यह है कि अपना रास्ता खुद चुनो। तुमने अपनी जिंदगी में क्या करना है, इस बात को हमेशा खुद ही तय करना। लोगों की राय को, लोगों के मशवरों को कभी भी अपने ऊपर असरअंदाज ना होने देना। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, बस तुम्हें अपनी जात पर एतमाद होना चाहिए। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला सकता, बिल्कुल इसी तरह अगर आपको अपनी जात पर एतमाद है तो आप हर तूफान से टकरा सकते हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनना और अपने रास्ते पर फोकस करना, किसी दूसरे के डिसीजन को कभी भी अपना डिसीजन ना समझना। तुम्हारे पीछे आवाजें आएंगी कि तुम सही नहीं कर रहे, यह रास्ता बहुत मुश्किल है, तुम इस पर नहीं चल पाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन तुम किसी को भी अथॉरिटी ना देना कि वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करे। तुम बस खुद पर यकीन रखना, सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनना और आगे बढ़ते रहना। हमेशा याद रखना कि तुम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम वो काम ना करो जो तुम दिल से करना चाहते हो। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपना रास्ता खुद चुनो, किसी के बनाए हुए रास्ते पर कभी ना चलो। दोस्तों, तीसरा असूल यह है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना। और आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। अपने दुखों की, अपनी नाकामियों की, अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी जब तक आप दूसरों पर डालते रहेंगे, जब तक आप अपनी नाकामी का जिम्मेदार लोगों को ठहराते रहेंगे, आप अपनी लाइफ को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब हम कामयाब होते हैं तो अपनी वजह से होते हैं, हम उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और जब हम नाकाम होते हैं तो लोगों की वजह से, हम लोगों को उस नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं, हम लोगों पर इल्जाम लगाते हैं।
हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। हमेशा याद रखना कि कामयाब लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते और ना ही अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं, इस बात पर फोकस करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो अपने रोल पर, अपने कंट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं। हमेशा याद रखना कि कामयाबी का रास्ता मुश्किल होता है, सख्त और पथरीला होता है, जैसे आप किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो। लेकिन अगर उस ऊंचाई पर चढ़ते हुए आपकी कमर पर एक्सक्यूजेस का बोझ भी है, आपकी कमर बहानों के बोझ से झुकी हुई है, तो आप कभी भी कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। कामयाब होने के लिए आपको वह बोझ उतार कर ही फेंकना होगा। जिस दिन आप ये समझ गए कि आप ही अपनी अब तक की गुजरी हुई जिंदगी के जिम्मेदार हैं और आप ही अपनी आने वाली जिंदगी के जिम्मेदार हैं, तो वो लम्हा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा।